एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स। मैं आप लोगों के लिए आज एक ट्रिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मिसाइल मेथड। आइए हम लोग इस ट्रिक के बारे में जानते हैं। देखिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो मिसाइल मेथड। देखिए ये जो मिसाइल मेथड है, ये दो नंबर के बीच में गुना करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे मान लीजिए एक नंबर एग्जांपल लेते हैं, हमको दो को तीन से गुना करना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको दो लाइन ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर लेना है, फिर तीन लाइन ड्रॉ कर लेना है ऐसे, और काउंट कर लेना है कितने जगह ये कट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। ऐसे ही आगे देखते हैं, दो नंबर में एग्जाम्पल दो देखते हैं, 11 को अगर हमको 13 से गुना करना है तो क्या होगा आंसर हमारा। तो हम क्या बोले हैं, यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया हम, फिर यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन नीचे में हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ कर लिए, फिर यहाँ पे तीन लाइन है, ये तीन लाइन है, इसको हम ड्रॉ कर लिए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमको काउंट करना है ये कितने जगह कट कर रहा है, तो 1 2 3, तो 3 को हम लोग साइड में लिख लेंगे, यहाँ पे 3 हो गया, और फिर यहाँ पे काउंट करना है 1, तो 1 हो रहा है, और बीच में देखिए 1 2 3 और 1 4। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसको हटा के लिख दिए, 3 को हटा के लिख दिए यहाँ पे, और फिर इसको हटा के लिख दिए, 3 और 1 को हटा दिए और इसको सटा दिए, 1 2 3 1 4, देखिए 143 हो गया। और 3 नंबर में देखिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 3, 12 × 14 गुना करना है हमको, तो देखिए क्या करेंगे, 1 ऐसे लाइन ले लिए, और फिर 2 लाइन यहाँ पे ले लेंगे, फिर यहाँ पे 1 बोट आए थे, 1 ले लिए, अब यहाँ पे 4 लाइन लेंगे, 1 2 3 4 ले लिए हम लोग। तो हम लोग क्या बोले हैं, इसको हटा के लिखना है और इसको हटा के लिखना है, और इन दोनों को आपस में सटा के लिखना है। तो आइए काउंट करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 को हम लोग हटा के लिख दिए, फिर इसको भी हटा के लिखना है, तो वहाँ पर 1 लिख दिए, अब इन दोनों को सटा के लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6, 168 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही सिंपल है, इसको हटा के लिखना है और इसको भी हटा के लिखना है, और इन दोनों को सटा के लिखना है। देखिए हम लोग जो गुना किए हैं ये सही है या गलत, इसकी जांच करते हैं। मान लीजिए हमको 12 को 41 से गुना करना है, 12 को 14 से गुना करना है, तो यहाँ पे 4 को दो बार करेंगे तो 8 मिलेगा, 4 को एक बार करेंगे तो 4 मिलेगा, 1 को दो बार करेंगे तो 2 मिलेगा, 1 को एक बार करेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ 8 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, देखिए 168, यहाँ भी 168, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है।